अरे पतलो पतलो जल्दी उठो, ये देखो छत से पानी टपक रहा है। जल्दी से बाल्टी लगा देता हूँ। पतलो वो देखो वहाँ से भी पानी टपक रहा है। अरे बेड पर बैठकर फरमाइशी कार्यक्रम ही करते रहोगे कि आकर मेरी कुछ मदद भी करोगे? जल्दी जल्दी बाल्टी लगाओ। जल्दी चलो अब आराम से सोने को तो मिलेगा। मोटो जल्दी उठो। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, याद नहीं? रात में सब जगह पानी पानी हो गया था। अब जल्दी चलो इससे पहले कि फिर से बारिश शुरू हो जाए, हमें छत रिपेयर का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पतलू, रात भर इन बादलों ने हमें बहुत परेशान किया है। हाँ मोटू, देखो ना सब बादल यही झुंड बनाकर बैठ गए हैं। पतलू तुम कुछ बोलो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। तो ये फैन लेकर क्यों आए हो? इन बादलों को यहाँ से कहीं दूर उड़ा दूंगा। फैन बंद करो, फैन बंद करो। नहीं बंद करूंगा। और ये तुम्हें इतने बड़े आसमान में रात भर बरसने के लिए एक हमारा ही घर मिला था क्या? पूरा आसमान हमारा इलाका है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी बरसे। फैन बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या कर लोगे? अभी बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। अरे मोटू ये बादल ऐसे नहीं जाने वाले, उनसे लड़ने से अच्छा है कि हम अपने घर की छत को मरम्मत करने के बारे में सोचें। ये दोनों हमें उड़ाने चले थे, अभी इनको उड़ने का असली मजा चखाते हैं। सुहाना मौसम और उस पर ठंडी ठंडी हवा। ये क्या हुआ, अचानक ठंडी हवा की जगह रात को अंधेरा कैसे हो गया? इधर का कौन है? मोटू पतलू मुझे मालूम है कि तुम दोनों ही हो, तुम दोनों के अलावा बिन बुलाई मुसीबत और कोई नहीं ला सकता।
मोटू, ये प्लास्टिक शीट का आइडिया तो कुछ काम नहीं आया। काले बादल भी फिर से मंडराने लगे हैं। पतलू, सुबह से पेट में एक भी समोसा नहीं गया है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, क्यों ना हम टीन की शीट लगाए। शीट भारी होगी तो उड़ने का खतरा भी नहीं होगा और बारिश से प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। हो गया बस, थोड़ा और इधर। पतलू, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा। ठीक है ठीक है। मोटू, जल्दी करो, अगर गलती से बारिश शुरू हो गई ना तो हमारे पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। हमें उड़ाने आए थे, अभी मजा चखाते हैं। बॉक्सर भैया। हेलो हेलो, क्या डिजाइन है? मोटू पतलू, तुम दोनों ने मेरे घर की छत तोड़ दी है और अब इसे ठीक भी तुम दोनों ही करोगे, ओके? वो तो हम ठीक जरूर कर देंगे बॉक्सर भैया, लेकिन ये बताइए कि आज हम पे आप नाराज नहीं हुए? एक बार बस मेरी छत ठीक कर दो, फिर मैं तुम दोनों को बहुत पिटूंगा। ये समझने की भूल बिल्कुल मत करना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। ठीक है बॉक्सर भैया, ठीक है, लेकिन अभी आप अगर हमें कोई सीढ़ी दे दोगे ना तो हम छत पर जल्दी से चढ़ सकेंगे। और सीढ़ी की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। हेलो, ये बादल तो गरज गरज कर बरसते ही जा रहे हैं। ऊपर से बॉक्सर के घर की छत भी टूट गई, वो अलग। जल्दी चलकर डॉक्टर झटका से मदद मांगते हैं। चलो बॉक्सर भैया, हम छत रिपेयर का सामान लेकर आते हैं। बड़े भैया, उन बादलों ने तो हमारे घर के ऊपर ही डेरा जमा लिया है। कुछ करो बड़े भैया, कुछ करो। ओ मेरे भाइयों, मेरे यारों, तुम दोनों को तो मैंने अपनी फ्लाइंग कार दी थी, लेकिन तुम दोनों ने उस कार को भी बर्बाद कर डाला। अब बताओ क्या करूं यार। बड़े भैया, उन बादलों ने तो हमारे घर के ऊपर ही डेरा जमा लिया है, कुछ करो बड़े भैया। मामूनी, अरे तुम दोनों ने बॉक्सर के घर का छत भी तोड़ डाला। डॉक्टर झटका, प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि हम बारिश से बच सके। ठीक है यारो, ठीक है, मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक पट्टी दे रहा हूँ। इसका ये वाला बटन दबा दोगे तो ये तुम्हारे और बॉक्सर दोनों के घरों को कवर कर लेगी। फिर वो बादल कितना भी बरसे, एक बूंद पानी भी घर में नहीं आएगा यारी। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। मोटू पतलू, रात होने वाली है और मेरी छत अभी तक ठीक नहीं हो पाई। अब तुम दोनों खुद ही बता दो कि यहाँ पे मार खाओगे या कि झमाझम बारिश में भीग कर। बॉक्सर भैया, अब ना तो आपको हमें पीटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें भीगना पड़ेगा। क्या ये एक ऐसा छाता है जिसमें ना आग लगेगी, ना सूरज के किरणों का असर होगा और ना ही बादलों की फेंकी बिजली का असर होगा। अब पूरी बरसात हम इसके नीचे आराम से रह पाएंगे। चलो अब आराम से सोते हैं। Yeah.
ये कैसे हो सकता है? हम कब से बरस रहे हैं पर उन दोनों के घर का तिनका भी गीला नहीं हुआ। मेरी तो एनर्जी भी खत्म हो रही है, चलो अब कहीं और चलते हैं। इंसानों से टक्कर लेना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े भैया, घसीटा राम और चिंगम सर को जल्दी से लेकर हमारे घर आ जाओ, आज हम अम्ब्रेला पार्टी करेंगे, छतरी के नीचे कर गरम समोसे हो जाए। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।